नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। आज के टॉप हेडलाइंस हैं, ईरान को मदद करने वालों की यूएस में संपत्तियों को ब्लॉक करेगा अमेरिका। ईरान ने कहा, विश्व शक्तियों के साथ किया गया परमाणु समझौता अब भी बचाने लायक। भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नक्शे में किया गया शामिल, यह है नेपाल का नया मसूम्बा। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान और सेना के खिलाफ किया गठबंधन, देश भर में होंगे प्रदर्शन। विश्व में कोरोना से 3.9 करोड़ संक्रमित, 9.59 लाख की मौत। कृषि बिल के बाद अब इन तीन विधेयकों पर सदन में दिखेगी तकरार, सरकार और विपक्ष तैयार। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का धरना रात को भी जारी, कांग्रेस बोली सरकार की गलती पर विपक्ष को सजा। सुदर्शन टीवी ने हफलनामे में किया हिंदू टेरर कार्यक्रम का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट बोला आपसे किसने मांगी राय। रबी की फसलों को एमएसपी बढ़ाए जाने को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, बोले करोड़ों किसानों को होगा फायदा। सुशांत सिंह राजपूत मौत के केस में पाकिस्तान तक जुड़े ड्रग्स के तार, एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े ग्राहक। पटना भगुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस में डाका, हथियारबंद बदमाशों ने यात्रियों से नकदी मोबाइल लूटे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी, ट्वीट कर दी जानकारी। पीएमसीएच सर्जिकल इमरजेंसी समेत आज तीन सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में फरार नक्सली गुड्डू शर्मा गिरफ्तार। किसान विधेयक के विरोध में 25 को भारत और 27 को बिहार बंद। कटिहार शहर में जल जमाव की समस्या से परेशान लोगों ने जल निकासी को लेकर सड़क जाम और आगजनी कर किया प्रदर्शन। सहायक थाना पुलिस ने झपटा मार गिरोह का उद्भेदन करते हुए दो अभिव्यक्ति को किया गिरफ्तार, एसडीपीओ ने दी जानकारी। हाई स्कूल पारा में घरों में घुसे पानी को पंप लगाकर निकालने के लिए मजबूर है शहरवासी, नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्याप्त। कटिहार विधानसभा सीट से राजद के संभावित उम्मीदवार विजय यादव ने कहा, टिकट मिली तो लड़ेंगे चुनाव, विकास पहली प्राथमिकता। सीएम नीतीश कुमार 100 बेड वाले सदर अस्पताल भवन के निर्माण का शिलान्यास करेंगे 22 सितंबर को, विधायक ने दी जानकारी। कटिहार में जल जमाव की समस्या को लेकर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया सड़क जाम और आगजनी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जदयू के विधानसभा प्रभारी कामाख्या नारायण सिंह पहुंचे कटिहार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27।